गयो हां लो यार तो बकरा मानी का थल्ले गए नु पर्सनली पूरी है मानी का बकरा थल्ले गए यार ले 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 सारा ले आ तोर 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 अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ जी सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैं हूँ जुनैर अशरफ और अपने ही रेवड़ की एक वीडियो बना के दिखाने लगा हूँ। इसमें ये नहीं कह सकता सारे जानवर हमारे ही हैं, कुछ दोस्त और भी हैं, लड़के हैं जो साथ हमारे होते हैं, उनका भी माल अभी इकट्ठा हुआ है, जिनमें रमज़ान भाई की बकरियाँ भी हैं। तो एक हमारा रेवड़ा गाँव का और एक इनकी बकरियाँ इसमें, तो ये ओवरऑल काफ़ी जानवर बन जाते हैं क्योंकि काउंटी तो नहीं की है इनकी। अगर डाक लो, अच्छा इनमें आपको कुछ चीज़ें दिखा देंगे आज। बेसिकली सर्दी है तो बाहर भी नहीं निकला जा रहा। चले मैंने कहा इस किस्म का जो हमारा हर्ड है ना, उनका शौक नहीं, वैसे दिखा देंगे, शौक वाली चीज़ें नहीं है हमारे पास, सीधी सी बात है, नॉर्मल सवाल है आपके सामने है जैसा भी, अल्हम्दुलिल्लाह, बट अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं जी, आई होप वीडियो अच्छी बनेगी। डक लो ना उन्होंने थे आगे गाला पैन प्राण भी एक बार खोती थे आंदा पैन ओली ओली कम लियो होली बस मेरा बच्चा हाँ इधर भी मारने हैं। ये आ रही हैं जी और यहाँ से जा रही हैं। ये नहर का पुल है, इसके नीचे से गुजर रही हैं क्योंकि दूसरी तरफ बाढ़ लगी हुई है और फिर इन्होंने गुजर के आगे जाना है। सानी ओए आ फड़े मोबाइल दूसरी साइड तो दिखा गया अगो? हाँ जी तो अगो निकल दिया उधर तू ना जाने जी। अस्सलाम वालेकुम भैया। भैया पहले अपना नाम? मोहम्मद अहसन। मोहम्मद अहसन, अच्छा अहसन भाई तकरीबन टाइम एक बजे का हो चुके है, माल हूं निकालिया तुसी बाहर, सही है? अच्छा एक बजे तो बाद तकरीबन तीन साढ़े तीन बजे सूरज तकरीबन डाउन होना शुरू हो जाता है, सर की चराओगे की रजाओगे इन्हों की चराओगे हूं तुसी? चराना जी तुहाडे सामने ही है, सुबह जरा ना कहंदे ने सब्जी सुब्जियां दे छिल्लर छुल्लर वगैरह तुहाडे सामने ने, वो जाने दो करेड़ियां ले आण के ना असीं आप सट्टियां वा ठीक है काडियां या हुण ए नाश्ता मारन गियां सही है, फिर इधर असीं परली साइड ते लै जांगे उधर अक शक बूटी लाणी छाणी जिहड़ी हुंदी है वो खाणियां खांदियां खुंदियां जरा ना थोड़े, फिर असीं दो तीन रेड़े सिंबल दे सही है किक्कर पावांगे इस तरीके ना तुहाडा हां जी गुजारा करन ताकि सियाल दे देना ना फिर इंज जी गुजारा हुंदा सही है शुक्र। अच्छा तकरीबन 1 बजे तो लेके 4 5 बजे तक माल बाहर रहना हां जी जी यानी कि 4 5 घंटे च फुल हो जानी है हो जाएंगे इंशाल्लाह हो जाएंगे सही है। अच्छा इतना माल है माशाल्लाह तकरीबन कोई 300 दे कोल कोल जानवर होएगा अंदाजन है अंदाजन। अच्छा कितने अपने बंदे इन्हें नाल आंदे ने जी? अपने यानी के हुंदे ने इन्हें नाल कोई 10 क बंदे 10 क बंदे ने जिन्हां चो कुछ वाड़ा साफ कर रहे हुंदे ने कुछ इन्हां दे नाल हुंदे कोई नाल हुंदा कोई पत्थर ले आंदे ने सुबह को कोई काम करदा वे बच्चे चका जे वो सही है। हुण असीं दो तीन बंदे आ ते असीं बकरियां ले आंदी ले आंदी हैं बकरी सबसे पहले सर उते ले आओ दूसरी साइड ते हो जाओ अगे कर लो ये देख लें जी माशाल्लाह। अच्छा किन्ने दंद है जी
मतलब के फुल जवान है, थर्ड टाइमर है, सेल नहीं माल नहीं है अपना, सिर्फ दोस्तों ने शौक करवा रहे। हमारी जो ब्रीड है जी सिर्फ वो आपको दिखाना चाह रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम तैयार कर रहे हैं और किसी हद तक कामयाब हो गए। अच्छा आप एक चीज करने होने की आप माल नहीं सेल कर दे जी, नहीं कर दे जाके सेल करा करा ये साडा टारगेट इंशाल्लाह 400 बकरी इंशाल्लाह अल्लाह दे हुक्म नाल अल्लाह देगा, फिर इंशाल्लाह लोगों ने शौक पूरा कराऊंगा इंशाल्लाह। सही हो गया भैया, भैया नु आगे तोरो जरा, तोरी जाओ, सही हो गया माशाल्लाह। और प्रेग्नेंट है जी? जी कितने के टाइम दी प्रेग्नेंट है जी? ये है 4.5 महीने, 4.5 माह की प्रेग्नेंट है। और ये देख ले माशाल्लाह। अच्छा जी, तो देगी हवाना बनाएगी कितने के दूध दी मालिक होएगी? दूध दे ना रेंज तुहाडे सामने वेख लो माशाल्लाह, छोड़ दो भैया, सही हो गया, ये देख लें जी, नहीं बस ठीक हो गया। अच्छा इस तो बाद कोई और चीज लेके आओ ब्रीडर, ए बच्चा एक आ बच्चा चेक करा लो, आ ब्रीडर, ये बकरी देख लें जी। अच्छा मां पुत्र है, ये देख लें जी, ये बकरी है, उसके आगे ये इसका बच्चा है और ये इसे ब्रीडर तैयार कर रहे हैं। सर इन्हें पकड़ो जरा, बच्चे नु पकड़ो, बकरी छोड़ दो, बकरी तो गबन है ना हूँ, छोड़ दो, स्पेशली ये देखें माशाल्लाह सही है। और कितनी की एज है, कितनी दसी एज होनी है? कुछ 6 माह होनी, 6 से 7 माह के दरमियान इसकी एज है और ये चीज है। ठीक है सर, अगे तोरो जरा इन्हू फ्यूचर ब्रीडर बनाना है इंशाल्लाह। इसकी टांगे स्पेशली आप देख लें माशाल्लाह, फेस देख लें, और ऐसा फेस रेयर तो नहीं है लेकिन काफी अच्छा काउंट किया जाता है, पावा चेक करो, अच्छी चीज है माशाल्लाह जी, बेहतरीन है, सही है। अच्छा भैया और क्या चीज लेके आओ? सर कितनी है के बकरियां माशाल्लाह अपनी गबना ने? जी है माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 40 के करीब करीब है जी। और ये कितने अच्छा मैं ये पूछिए ना, ये दसो इनकी एज कितनी है? एज इनकी मेरे हिसाब ना ये उनकी इतनी है जेडी वो डब्बी पूरी है, मतलब थर्ड टाइमर ही होएगी। आगे तोरो, आगे तोरो। अच्छा उन कितने के दिन लाएगी ये भी? हुन 4-4.5 माह मतलब करीब करीब ने, सही हो गया। खोलो ये जी, लास्ट में आपको दिखाई है, उसके बाद ये दिखा देते हैं माशाल्लाह। पकड़ो बकरी, अजय तो टाइम लगेगी काफी, यानी कि अजय तकरीबन 15 दिन ले जाएगी। करो उधर ये देख लें जी, और ये हमारी एक ब्रीड तैयार हो रही है, ये क्या है? ठीक है सर, पाओ चोला, चोला पाओ, पा दो। अच्छा एक और चीज दसो, जो बच्चा है छोटा कम से कम 1 महीने तो लैके, नहीं 15 दिन तो लैके 2-3 महीने तक दे, कितने के बच्चे अपने को इस दफा मौजूद ने? 1 माह तो लैके 2 माह तक, मतलब के छोटे बच्चे कितने के तैयार किए आपा ऐतकी? मेरे हिसाब से जिस तरह तू दस इस तरह 25 के है बच्चे, 25 है जेडे 1 महीने तो 2 दे विच है, छोटे अलग ने और जेडे उस तो वड्डे जेडे नरमिया चाहे वो अलग ने, अलग आ रहे है, सही है। अच्छा एक बकरी और तुसी वो दिखाओ ना, वो चीनी हो जड़ी इन अगे ले जाओ यार, इतने रश बहुत हो गए, अगे ले चलो इधर, इधर मुड़ो, इधर मुड़ो, ये इधर गबन है, कितने के टाइम दी? ये भी उन्होंने नाल ही। अच्छा जरा चोला दिखाओ, जड़ी चीजें दी स्पेशल दिखाना चाह रहे हो, पकड़ो यार अगो, आ बच्चा नहीं भी परा मार, बच्चा साइड ते कर, जी नमैशी बकरी है। अच्छा जी, हाँ जी ये देख लें जी माशाल्लाह, और ये नुमाइश वाली है, किनवा सवा रहना भी है, चौथा सवा, ये भी 4th टाइमर है और ये नुमाइश वाली है जी। हम इसे तैयार नहीं करते हैं लेकिन ये है ही, नस्ल ही इसकी ऐसी है, नस्ल ही इसकी उस किस्म की, हमने कभी तैयार नहीं किया इसे, ये देख लें माशाल्लाह, सुबह 2 किलो पक्का बोला चोया है। अच्छा जी सही है भैया, ये भी चौथे सुबह है ना, पकड़ पकड़ चोला, चोला पा खान वजन के थले, सही हो गया। उस तो इलावा एक और चीज, चला पट लिया गया, तू पट लिया गया काली डब्बी पट लिया भी जी, इस बच्चे का शौक भी आपको चेक करवाएंगे। ये पढ़ाई में माशाल्लाह नील थे तो अभी पढ़ भी रहे हैं, साथ में शौक भी कर रहे हैं, वो भी दिखा देते हैं। उसके अलावा मजीद आपको कोई ना कोई बकरी भी दिखाता हूँ मजीद। ये जी हमारा बक है,
और अच्छा जितनी बकरियां तकरीबन अपनी क्रॉस ने इंदे कोलो ने इंदे कोलो एक और बकरा बेच काला बकरा भी है तकरीबन जी इन्हीं दोनों से हमने क्रॉस करवाई है और इंशाल्लाह जब इनकी प्रोडक्शन आएगी वो भी आपको दिखाएंगे। उस आगे कर ला यार अनप्रोफेशनल बंदे बड़ा परम लाया बकरा यार इतना राशि बहुत हो गया बच्चे तंग कर रहे ने मोड़ के ले आओ जरा इधर रोको 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 ये चीज है जी और इस पे स्पेशल एनी स्पेशल चीजें केड़ी हैं जिस पे होता अपन देखो ब्रीडिंग ले रहे हैं स्पेशल है तुम्हारे साहब कलर इनका माशाल्लाह खूबसूरत है सही है कानों की लेंथ देखो कानों की लेंथ स्पेशली देखें जी माशाल्लाह थले बैठे हैं माथा बहुत प्यारा है फेस बहुत प्यारा है माशाल्लाह लेंथ भी बहुत अच्छी है और जो इसकी एक चीज जो दुम जिसे कहते हैं ना ये देख लें कितनी लंबी है माशाल्लाह। अच्छा हाइट उतनी बड़ी नहीं है लेकिन किसी और चीज बेस से आप इन्हें बहुत अच्छा शौक करवा समझ लें ये चीज भी इसकी एक स्पेशल है जी सीना देख लें इसका माशाल्लाह बहुत हैवी है चौड़ा है अभी है बेचारा बकरियों के अंदर है तो वीक है छोड़ो जरा ब्लड लाना दे ये वो चीज है अल्लाह खैर करेगा है दिखाओ बकरी दिखाने लगे सी ये भी गबन है इधर बच्चे रहे नाल पढ़ाई भी कर देता अच्छा ये बच्चे दी है नहीं वो बच्चे अच्छा ले आओ बच्चा साहब पट लाया कि परम डर गई अच्छा ये देख लें जी और ये देख लें पट और ये तकरीबन कितने महीने दी गबन है ना गबन है अच्छा कितने के जानवर ने देखो इनदे कोले है ना को 12 के जानवर 12 के जानवर इस क्वालिटी की चीजों का ये भी शौक कर रहा है जी तो आप खुद ही देख सकते हैं कि शौक है कि नहीं छोड़े माशाल्लाह बेहतरीन हो गया जी शौक आ गया हां जी मजीद जी कुछ चीजें वैसे दिखा देता हूं बकरियां कैसे बैठी हैं क्या चराई कर रही हैं ये भी देख लें जी अच्छा भैया दसो जी ए जड़ी सब्जी तकरीबन इथे फेंकी हुई ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜੀ ਯਾਰ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਡ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹ ਗ੍ਰਿਡ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਫ ਸੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਿਆਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖਲਾਰ ਦੇ ਨਾ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੱਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਡਾ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਛਿਲਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨੀਮੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਦੋ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆ ਗਈ ਸਬਜ਼ੀ ਹਰ ਹਰ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ ਮਿਰਚਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੇ ਜੀ मरच शलजम बंद गोभी अनार भी अनार भी जो चीज लगे ये देख लें और मामा बकरियां इतना भी आई है अगे अनार भी है ये तो यह चीज तो बहुत बेहतरीन है ना बकरियों वाली गंडे उसके बाद अच्छा तोरियां तोरा ये अनार के छिलके हैं जी धड़े ही लगे हुए अब ये लोग खाने धड़े ही लगे की कहना नारा ने धड़े ही लगे दफा ओवरान मामा खा ले दे तू हर गांजे का तो भाई ने ये है जी बाकी सीन्स है आज के एक आखिरी ओवरव्यू दे रहा हूँ फिर वीडियो में एंड करूंगा बकरियां बैठी हुई हैं अभी उन्होंने खा या नहीं सारे ही चाइनीज माल है ना क्या मोटे यार ये देख लें जी ये इस किस्म की भी पट्ठे हैं मतलब कि अपनी न्यू प्रोडक्शन आ रही है फर्स्ट टाइम जड़ी तैयार होएगी सही ठीक हो गया भैया ये देख लें जी माशाल्लाह अभी चील कर रही है फुल चील जिसे कहते हैं ना वो उस जानवर वीक भी है सीधी सी बात है सर्दी में चराई सिस्टम का आपको नुकसान बताता होता हूँ कि जानवरों की मत बज जाती है आहो तो यहाँ जी हर्ड हमारा खत्म हो गया ये यहाँ जी आके खत्म हो गया तो ये आज की वीडियो थी जी वीडियो एंड करते हैं आई होप मजा आया होगा मिलते हैं कल वाली वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।